परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से सुंदर से सुबह के लिए जो आपने हमारे प्राणों की रक्षा की। इसके लिए बहुत बहुत आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। सभी जितने भी मसीह भाई बहन हैं सभी लोग मिलकर के परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि खुदा आपके जीवन में आपको आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक इच्छाओं को पूरी करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। प्रेज द लॉर्ड, पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। खुदा प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से सुबह के लिए कि पिता आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें आशीष दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज अपने संपूर्ण मन से उस खुदा को धन्यवाद करिए, उस परमेश्वर को धन्यवाद करिए जिसने आपको जीवन दिया है, जिसने आपको आशीष दी है, जिसने आपको परमेश्वर ने किस तरीके से आपको परमेश्वर ने संभाला है यीशु नासरी के नाम से। उस परमेश्वर को धन्यवाद करिए, क्योंकि सुबह के टाइम जितने भी मसीह भाई बहन आज प्रार्थना को सुनने के लिए आए हुए हैं, संपूर्ण मन से प्रार्थना को सुनना, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा, आपके जीवन में ढेरों आशीषें देने जा रहा, आपको बरकतें देने जा रहा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने हुआ जा रहा है यीशु श्री के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू यीशु, थैंक यू यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद करते हैं कि देव पिता परमेश्वर जो भी आज हमें वचन देंगे उसमें परमेश्वर हमें आशीष मिलेगी। इसलिए बहुत बहुत संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करिए, क्योंकि खुदा आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करने जा रहा, आपके बच्चों के जीवन में आशीष देने जा रहा, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके घर में। आज आप खुद ही रो रहे हैं, आज ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, तो खुदा आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करने जा रहा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखना, यहोवा यूं कहता है, रोने और पीटने और आंसू बहाने से रुक जा। क्या परमेश्वर राजा वचन कहता है, जैसे हम पढ़ते हैं यर्मिया के पुस्तक का अध्याय 31 और वचन नंबर यहां पे 16 में लिखा है। परमेश्वर ने हमें क्या कहा, यहां पे ध्यान से सुनना है। यहोवा यूं कहता है, यानी हमारा जो परमेश्वर है सर्वशक्तिमान, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। आज परमेश्वर हमें फल देगा, आज हमें ब्लेसिंग करेगा, आज हमें आशीष देगा, आज हमारे जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसने कहा है, जो तो रोता है, आज हम रोते हैं, आज हमारा कोई काम नहीं बन पड़ता है, हमारे घर में बीमारी है, हमारे घर में कर्जे हैं, आज हमारे बच्चों के समझ नहीं है, आज उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आज परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा। यदि इस वचन को ध्यान से आप सुनते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं यर्मिया के पुस्तक अध्याय 31 और वचन नंबर 16 में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है, और वे शत्रु देश देश से लौट आएंगे, अंत में तेरी आशा पूरी होगी। आज परमेश्वर हमारी हर एक आशाओं को पूरी करेगा। आज आप एक आस लगा करके बैठे कि खुदा मेरी जीवन में मुझे आशीष देगा, मुझे बरकत देगा, मुझे फल देगा, मुझे जीवन में हर प्रकार से तरक्की परमेश्वर मुझे देने चाह रहा है, हर एक प्रकार की बीमारी से मुझे छुटकारा देने जा रहा है, हर प्रकार की समस्याओं से खुदा मुझे ब्लेसिंग करने जा रहा है, तो खुदा आपकी हर एक मनोकामनाओं को पूरा करने जा रहा है, हर एक इच्छाओं को आपको परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। यदि आज इस प्रार्थना को अंत तक आप ग्रहण करते हैं, तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज आपके वंश में हर एक लोग आशीषित होंगे, आज आपके परिवार में हर एक व्यक्ति, हर एक आपका चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपकी बेटी बेटियां कोई भी हो, सबको परमेश्वर आशीषित करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। और अपने मन को एकाग्र करिए, जो आपका मन भटक रहा है अभी, जो सोच रहे हैं आपके दिमाग में जो चल रहा है, परमेश्वर कहता है कि तू धैर्य रख, विश्वास रख कि खुदा आपके जीवन में ब्लेसिंग करने जा रहा है। जितने लोग आज प्रार्थना करने के लिए आए हुए हैं, वो इस कलीसिया को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको बढ़ाएगा। यदि आज इस कलीसिया को आप बढ़ाते हैं, इस कलीसिया की मदद करते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, कमेंट के माध्यम से बताते हैं, हम आपके घर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके हर एक परिश्रम का फल जो परमेश्वर आपको देने वाला है,
वो हर एक की घटी और कमी को जो आपके शत्रु हैं वो आपके घुटने आपके सामने घुटने टेक देंगे यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि वो परमेश्वर आपके आपको आशीषित करता है, वो आपको ब्लेसिंग करता है, वो आपके जीवन की हर एक मनोकामना हर एक इच्छाओं को पूरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है अंत में तेरी आशा पूरी होगी, यहोवा की यही वाणी है और यही वचन है, तेरे वंश के लोग अपने देश लौट आएंगे। और परमेश्वर ने निश्चय किया है कि हर एक बात को लेकर के परमेश्वर ने कहा है तूने मुझसे प्रार्थना की है तो मैंने तेरे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग की है, ढेर सारा आशीष दिया है। आज परमेश्वर हमारे तरफ अपने मुंह को फेरता है, परमेश्वर आज हमसे प्रेम करने के लिए आया हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है, उसका कलाम कहता है, यदि सुबह के वक्त आप किसी काम के लिए जा रहे हैं तो खुदा को धन्यवाद करके जाइए, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने वाला है, आपको आशीष देने वाला है। आप शाम कर लौट आइएगा, आपके जीवन में बहुत सारी गवाहियां होंगी, इस बात को याद रखना, क्योंकि खुदा ने आपको जीवन दिया है, आपको बरकतें दी है। आज जो आप गिड़गिड़ाते हैं, जो चिल्लाते हैं, जो रोते हैं, जो बिलखते हैं, इसलिए परमेश्वर ने कहा है क्योंकि मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया है और उदास लोगों के प्राण को मैंने भर दिया है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आज हमें ये जानना है, आज हम थक चुके हैं अनेकों प्रकार के कार्यों से, अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम से, अनेकों प्रकार की चिंताओं से, अनेकों प्रकार की समस्याओं से आज हम थक चुके हैं। आज आपके बेटे आपकी बेटियां अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने घर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए यदि आप परमेश्वर पर आस लगा करके बैठे तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी हर एक मनोकामनाओं को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हे मेरे खुदा, आज जो परिश्रम करते हैं, आज जो मेहनत करते हैं पिता, उनके जीवन में उनका फल मिले, मैं यही प्रार्थना करता हूँ खुदा, उनको ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे। वो जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, जो समय सोच रहे हैं अपने मन में, जो उदास हो चुके हैं पिता, उसके जीवन को आप छूने वाले हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि खुदा ने आपको जीवन दिया है, खुदा ने आपके जीवन में एक नया सूर्य प्रकाश किया है, एक नया प्रकाश आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर ने दिया है, एक नया दिन दिया है परमेश्वर ने आपको। तो परमेश्वर को हर एक दिन आपको धन्यवाद करना होगा क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है सुन मेरी ओर, सुन मेरे वचन पर ध्यान दे कि मैंने कहा है जो तेरे आंसू बहते हैं उसको रोक दे, उसको रोक दे, क्योंकि मैं तेरी जिंदगी में हर एक परिश्रम का क्योंकि मैं तेरी जिंदगी में हर एक परिश्रम का फल मैं तुझे दूंगा। क्योंकि आज परमेश्वर का वचन कहता है जिस तरीके सबोपदेशक अध्याय 3 में परमेश्वर का वचन कहता है, वहां पे लिखा है कि हर एक चीज का समय है। यदि आज आपके आंसू बहते हैं तो परमेश्वर कहता है तेरी जिंदगी में बहुत जल्दी खुशियां आने वाली है। यदि आज आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक चीज समय के अनुसार होगी। यदि आपकी जिंदगी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी चिंताएं हैं, कोई भी मुसीबतें हैं, वो खुदा आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको बलवंत करने जा रहा है, आपके हाथों को मजबूत करने जा रहा है, आपको छुटकारा देने जा रहा है, आपको परमेश्वर है अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम से बचाने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं कि खुदा आपने हमें जीवन दिया है, आपने हमें आशीष दी है, आपने हमें बरकत दी है, इसीलिए धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आइए सभी लोग मिलकर के खुदा को धन्यवाद करते हैं कि आज हमारी आशा पूरी होगी, आज हमारी हर एक मनोकामनाएं पूरी होंगी कि खुदा ने हमें जीवन दिया है। आइए चलते हैं सभी लोग मिलकर के प्रार्थना की ओर चलते हैं। और मैं सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ, प्रार्थना करने से पहले अपने मन को एकाग्र करिए। जो इस समय चिंतित हैं, जो परेशान हैं, जो अनेक प्रकार की बातों को सोच रहे हैं, आपके जो मन में आप जो थिंकिंग है, आपकी सोच है, जो परमेश्वर उसको चेंज करने जा रहा, उसको ब्लेसिंग करने जा रहा, उसमें आशीष आपको देने जा रहा है। आपको जीवन में आपको धैर्य मिलेगा, आपको पेशेंस मिलेगा, आपको भरोसा मिलेगा कि खुदा ने आपकी ज़िंदगी में भरोसा दिया है, एक विश्वास दिया है, एक विश्वास आपके ने परमेश्वर ने कायम किया है। तो हमने आज घुटने को टेक करके आपके सामने विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए, परिवार के लिए। आज ये दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, अपने जीवन से, अपनी दिनचर्या से, अपनी लाइफ स्टाइल से, अपने बच्चों के जीवन से आज ये बहुत तंग आ चुके हैं। सुनासरी के नाम से
आज इनकी जिंदगी के हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों आज भरोसा रखना, विश्वास रखना, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े युवाओं के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना, क्योंकि आज परमेश्वर आपको जो आप कर्जे से दबे हुए हैं, आज जो चिंतित हैं, जो आज परेशान हैं अपनी जिंदगी में, अपने बेटे के जीवन को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, खुदावंद आज आपको विशेष देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके हाथों में आज वो आपको सौंपने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, जो आज कर्ज से दबे हुए हैं, आज जो बोझ से दबे हुए हैं प्रभु आप आपको आजाद करने जा रहा है। आज दुखी थे, चिंतित हैं, परेशान हैं, मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, आज परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जिंदगी के हर एक पहलू को परमेश्वर मजबूत करने जा रहा है, स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। आज मुसीबत में आप घिरे हुए हैं तो आपको चिंता नहीं करना, आपको हताशा और निराशा को सामना नहीं करना, रिसीव करिए इस प्रार्थना को, केवल रिसीव करिए कि परमेश्वर आपकी जिंदगी को बहाल करने जा रहा है, आपकी हर एक जीवन की जो आज घटी और कमी है, हर एक एक चीज को मुहैया कराने वाला खुदा वो आपके घर में, आपके दिल में, आपके मन में, आपके पास है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि इनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करेंगे पिता परमेश्वर। आज इनकी जिंदगी के जीवन को आप छूने वाले हैं, जो कमेंट करके बताते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, आज उनको छू पिता परमेश्वर, अपने जीवन के बारे में वो बताते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं, क्या जीवन में उनकी समस्याएं हैं, पिता आप देखने वाले खुदा हैं यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि पिता आज हमारी प्रार्थना को आप रिसीव कर पिता परमेश्वर, आज हमारी प्रार्थना को आप सुनेंगे यीशु नासरी के नाम से और हमें जवाब देंगे यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन जो इस समय प्रार्थना कर रहा है वो प्रार्थना को रिसीव करेगा क्योंकि आज इनकी जीवन की दिनचर्या चेंज होने वाली है, इनकी लाइफ स्टाइल चेंज होने वाली है, इनके घर में जो बरकत नहीं होती है, जो पैसे की कमी है, जो आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, जो जॉब में किसी प्रकार की अड़चने आ रही हैं, तो परमेश्वर उसको दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज आपके जीवन की जो भी दिनचर्या है, जो आप घबराहट को महसूस कर रहे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश अपनी नौकरी को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने घर को लेकर के, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आप कर्ज से दबे हुए हैं, तो प्रभु आपको आजाद करने जा रहा है। दुख में है, मुसीबत में है, तकलीफ में है, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए, हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि पिता के जीवन को आप छू पिता परमेश्वर। जो इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, बड़े ध्यानपूर्वक पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, आज उनके कानों में पिता उनको आशीष दीजिए, उनके कानों तक अगर ये आवाज पहुंच रही पिता, तो उनके दिल को, जहन को पिता परमेश्वर हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को मिटाने वाले खुदा आप हैं। उनके घर में किसी भी प्रकार की समस्या है पिता, आप उनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। पिता आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में तमाम प्रकार की बीमारी, शैतानी ताकत, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इनके जीवन में हर एक मसीह भाई बहन को छो पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन के दिनचर्या जो भी हुई सुनासरी के नाम से, आज वो जाए सुनासरी के नाम से। हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार के शक, हर प्रकार की घबराहट इनके जीवन से आज छोड़ के जाए सुनासरी के नाम से। वो शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की शैतानी ताकत, अंधकार की शक्ति, अंधकार का बल, अंधकार की ताकत, हर प्रकार की समस्या आपकी जिंदगी से जाने वाली सुनासरी के नाम से। खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। आज आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत हताश हैं, यदि आज अपनी ज़िंदगी में आप बीमार भी हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और उस बाहु से स्थान पर हाथ रख करके उस खुदा को, उस परमेश्वर को कहिए कि पिता मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, आपके स्वर्गदूतों के द्वारा पिता मेरी ज़िंदगी में हर एक मसीह भाई बहन को आप छूने वाले हैं, उनकी ज़िंदगी के हर एक घटी और हर एक पहलू को आप मजबूत करने वाले, स्ट्रॉन्ग करने वाले, उनको जीवन, उनका श्वास देने वाले पिता आप, इसलिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, जो आपकी ज़िंदगी को छूने है परमेश्वर, आपकी जिंदगी को आपको ब्लेस करने वाला, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन की हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो खुदा है। इसीलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, ग्रहण करिए विश्वास के द्वारा, उनके हृदय में विश्वास को वो ये हर प्रकार के नकारात्मक विचार और सब को दूर कीजिए, तमाम प्रकार के क्लेश संकट उन्हें छोड़ के चले जाए पवित्र आत्मा से, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु मसीह के नाम से।
पैरों से लेकर के पिता परमेश्वर उनके तमाम प्रकार के बीमार अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि सत्व और दुष्ट आत्मा और चतुर शैतान और शैतानी ताकत जो तमाम प्रकार की आज उसकी ज़िंदगी में काम करती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की शक्ति हो, किसी प्रकार की सामर्थ्य हो, किसी भी प्रकार का वो अंधकार का बल हो, अंधकार की शक्ति उनके जीवन से आज वो जाने वाली है। आज जिस बिजनेस में आप हाथ लगाते हैं उसमें आपका बिजनेस सफल नहीं होता, लेकिन खुदावंद कहता है कि तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम होने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी आपको सफलता मिलने जा रही है, बड़ी बड़ी चीज़ आपको मिलने जा रही है सुनासरी के नाम से, बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ आपको मिलने जा रही है। जिस स्थान में आप जाएंगे वहाँ पर आपको आशीष मिलेगी, जहाँ भी आप हैं वहाँ पर आपको बरकत और आशीष मिलने जा रही है। जिस जॉब में आप करते हैं उस जॉब में परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। जिस बिजनेस में आपने हाथ लगाया, जिस बिजनेस को आप करते हैं परमेश्वर उसमें ढेरों बरकत और आशीष देने जा रही है सुनासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस। इस सुनासरी के नाम से खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक प्रकार की समस्या इनके जीवन से जाए सुनासरी के नाम से, छोड़ के सुनासरी के नाम से जाने वाली है आपकी समस्याओं को आज वो आजाद करने वाला खुदा है। हर प्रकार की बीमारियां जो आपके जीवन में शैतानी ताकत लाता है, जो शैतान आपकी ज़िंदगी में रोगाड़ों विषाणु और निर्बलताओं को आपको जीवन में देखने को मिलता है, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से चलाने वाला है सुनासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पिता पवित्र आत्मा के द्वारा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के दुख भरे अंगों को झुलसा दीजिए सुनासरी के नाम से, झुलसा दीजिए सुनासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या उनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर, के खेती में है, घर में है, परिवार में है, माता पिता भाई बहन में, कहीं भी किसी स्थान में रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, किसी भी स्थान में, किसी भी देश में क्यों ना हो, किसी भी अदर कंट्री में क्यों ना हो, आज उनको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है, उनके जीवन की हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आप कर्जे से दबे हैं, बोझ से दबे हुए, दुख से हैं, तीन मुसीबत से, तकलीफ से, अनेक प्रकार की छुटकारा आपको परमेश्वर देने जा रहा है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, भरोसा रखते हैं तो आपकी ज़िंदगी में हर एक प्रकार की समस्या अज्जाज करने जा रहा है। चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, किसी प्रकार का दर्द हो, किसी प्रकार के सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, हाथों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन से क्यों ना हो, आज्ञा दीजिए, आज आज्ञा दीजिए आपके जीवन की हर एक प्रकार की समस्या वो जाने वाली सुनासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियाँ आपकी ज़िंदगी से वो जाने वाली सुनासरी के नाम से। पेट में दर्द हो, आपके सिर में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द हो, घुटनों में दर्द है, सुनासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आज वो आप चंगा करने वाला यीशु आपके सामने खड़ा हुआ है, परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है, परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी कहने की खटे और कमी को पूरा करने वाला खुदा है। वो हर प्रकार की समस्या को आज आजाद करने जा रहा है, वो पिता आपके जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है सुनासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते इन द नेम ऑफ जीसस। सुनासरी के नाम से खुदावन आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाड़ विषाणु और निर्बलताओं को आजाद करने जा रही सुनासरी नाम से। चाहे वो किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम हो, सिर में दर्द हो, अनेक प्रकार की सूजन हो, अनेक प्रकार की खांसी हो, पीलिया हो, गांठ हो, अनेक प्रकार के कब्ज हो, सीत हो, पिंपल्स, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हो, आपकी जिंदगी से वो आजाद करने वाला खुदा है। आपकी हर प्रकार की मधुमेह की बीमारियां जाने वाली है, हर प्रकार का बुखार, सर्दी, जुकाम, अनेक प्रकार की समस्या, छोटी से लेकर के बड़ी तक अनेक प्रकार की प्रॉब्लम आपकी जिंदगी से जाने वाली है। आपके बेटे को आशीष देने वाली है, आपके बच्चे को आशीष देने वाला है। आज वो खुदा आपके बरकत को आपको दुगना करने वाला है, आपके बिजनेस को दुगना करने वाला है, आपको चार गुना, आपको सौ गुना परमेश्वर देने वाला है सुनासरी के नाम से। आज वो आपको जीवन में आशीष देने वाला है सुनासरी के नाम से। आज उसकी प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़े धैर्य के साथ। आज वो हर प्रकार की चिंताओं को मिटाने वाला खुदा है। आज वो हर प्रकार की टीबी, हर प्रकार की नींद ना आना, आपको हर प्रकार की ब्लड प्रेशर हाई लो जो होता है, आपके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, लकवा है, अनेक प्रकार के चक्कर आता है, स्किन प्रॉब्लम से ज्वार है, अनेक प्रकार की उजली, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की काली खांसी होनी, जो भी किसी प्रकार की समस्या आज इस संसार में है, आपको घबराहट अपने बेटे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, आपको बिल्कुल भी निराशा को महसूस नहीं करना होगा। आप उलझन में, आप घबराए हुए, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में, फिजिकली और मेंटली आप बहुत टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत हताश हो चुके हैं, बहुत आपने दवाई करा ली, इलाज करा लिया, आपने बहुत ज़्यादा कुछ करवा लिया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खुद आपको आज जांच करने जा रहा है। केवल इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी को सच होने जा रही सुनासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हर प्रकार के हृदय रोग पिता परमेश्वर, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर, हर प्रकार के मानसिक तनाव, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के तमाम प्रकार के दर्द हैं पिता, आज उनके दूर करने जा रहे हैं सुनासरी के नाम से। आज परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके घर में आशीष देने जा रहे हैं, आपको बरकत देने जा रहे हैं, आपको छूने जा रहे हैं,
आप कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों न खड़े हों, आज आपको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है। आपके जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। खुदा कहता है कि तू मत डर, चिंता मत करके कि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताके कि मैं तेरा खुदा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। यदि तू मुझ पर यकीन रखता है, भरोसा रखता है, तेरी जिंदगी के हर एक रास्ते वो आसान होने जा रहे हैं। हर प्रकार की प्रॉब्लम आसान होने जा रही, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से आसान होने जा रही, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आशीष को मांगते हैं पिता परमेश्वर, हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन, हमारे बेटे के जीवन, हमारे बेटियों के जीवन में अनेक प्रकार की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है। खुदा आपको बरकत देने जा रहा है। आप किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, आप किसी भी हालात में क्यों, जिस तरीके से वो उपदेशक अध्याय 3 में परमेश्वर वचन कहता है, तो आज रोता है, तो आज दुखी थे, तो चिंतित थे, परेशान है, हताश है, निराश अपनी जिंदगी में, तो चिंता मत कर, भरोसा रख उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर यकीन रख, भरोसा रख, क्योंकि आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन को बदलने जा रहा है, आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है, आपके हर एक अंगों को ठीक करने जा रहा है परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों को, हर जो आपके काम बंद पड़े हैं, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपके कोई काम सफल नहीं होता तो परमेश्वर कहता है सफल होंगे। हर प्रकार की मुसीबतें, हर एक चीज को मुहैया कराने वाला खुदा है, वो हर एक चीज को देने वाला खुदा है, हर चीज को देने वाला परमेश्वर है। आज यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम प्रार्थना करते हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं। जितने मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि हमारे लिए, हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, उनके माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, हम जरूर प्रार्थना करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, जितने लोग इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, उनको आशीष करने जा रहा है, आग से, आग के द्वारा, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक आपके हर एक प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबतों को चलाने जा रहा है सुनासरी के नाम से। आपके बिजनेस को 10 गुना नहीं 100 गुना परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। आपके जॉब में परमेश्वर आपको तरक्की देने जा रहा है। आपके जॉब नहीं लगती, परमेश्वर कहता है तू भटक रहा है, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी को एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको परमेश्वर देने जा रहा है। आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आज आप पर ज्योति की आज वो परमेश्वर के स्वर्गदूतों को आज आपके आशीष देने जा रहे हैं। आपके जीवन की हर एक प्रकार की नकारात्मक नेगेटिव सोच जो है, अनेक प्रकार की नकारात्मक अपने आप को हीन भावना से देखते हैं, तो फिर आपको आशीष देने जा रहे हैं, आपको बरकत देने जा, आपके घर में तमाम प्रकार की दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की, अनेक प्रकार की पैरों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की क्लेश है आपके जीवन में, आपके संकट में, आप बहुत परेशान हैं अपने जीवन से लेकर के, अपने घर से लेकर के, अपने फैमिली से लेकर के, अपने परिवार से लेकर के, तो खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। हर प्रकार की तमाम प्रकार की समस्याओं तो आपको अच्छा करने जा रहे हैं सुनासरी के नाम। रिसीव करिए इस प्रार्थना को, कहिए खुदावन से कि सुनासरी के नाम से मैं रिसीव करता हूं इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर, और मुझे आप आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे, मेरे जीवन में, मेरे घर में, अपने परिवार में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन को आप सुरक्षित रखेंगे, उनको आशीष देंगे, उनके हर प्रकार की समस्याओं को आप पिता परमेश्वर सॉल्व करने वाले खुदा हैं, हर प्रकार के समस्या का समाधान है वो भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है। यदि उस खुदा पर यकीन रखने, भरोसा रखते हैं, तो आज हमारी जिंदगी के हर एक मुश्किल घड़ी को आसान करने जा रहा है परमेश्वर। हर एक मुश्किल जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं उसको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं आज वो हमारे जीवन से जाने वाली है, आज हमारे जीवन से समस्या जाने वाली है सुनासरी के नाम से। आज आपको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है, आज आप परमेश्वर आपको छूने जा रहा है सुनासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर इनकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबतों को जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगी को छो पिता परमेश्वर, ब्लीज कर सुनासरी के नाम से। हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के चतुर शैतान जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर की हर घटी और कमी को पूरा करने वाला खुदा है, उस शैतान के जीवन में हर घटी और कमी को लगा करके, घात लगा करके बैठा है, आज उसको आजाद कर, हर प्रकार की समस्याओं से उसे आजाद कर यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से। खुदावन हम आपके चरणों में आकर के प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना, विश्वास रखना, परमेश्वर ने आपको ढेरों बरकत और आशीष दी है। आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको घबराना नहीं, आपको मुसीबत में आज परमेश्वर हर एक मुसीबत से, हर एक घटी और कमी से परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को निकालने वाला खुदा आपके संग है। आपको डरना नहीं है, आज आपको उलझन में नहीं आना है, ना ही आपको घबराहट को महसूस करना है। खुदा आपको आशीष देगा, जिस तरीके परमेश्वर ने सबोपदेशक अध्याय 3 में परमेश्वर ने कहा है, तो धैर्य रख, विश्वास रख, भरोसा रख, तेरी जीवन
ढेर सारी खुशी आएंगी। यदि तेरे आंसू आज बहते हैं तो परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हर एक पहलू को परमेश्वर मजबूत करने जा रहा है। इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को आपने ग्रहण किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर को धन्यवाद करे। यदि आज परमेश्वर के वचन को लेकर के सुनते हैं, आपने सुना, आपने प्रार्थना की, आपने विनती की, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस प्रार्थना को, ताकि और लोग कलीसिया में जुड़े, और लोग प्रभु में आए और परमेश्वर उनको भी बरकत दे, आपको ढेरों आशीष दे। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट करके जरूर बताइए किसके लिए प्रार्थना करना है, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके माता पिता भाई बहनों के लिए। तो विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर के वचन से आपने परमेश्वर आपको बरकत और आशीष दी होगी, आपको ढेरों बरकत और आशीष परमेश्वर देने जा रहा है इस नासरी के नाम से। इसीलिए यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बरकत और आशीष दे। जितने मसीह भाई बहन डोनेशन करते हैं उनको परमेश्वर बरकत और आशीष देगा। आप चिंतित मत करिए, आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपको प्रार्थना करना है सुबह शाम, हमेशा प्रार्थना करना है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपको बहुत बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आपको बरकत और सलामत रखे, आपके को, आपके परिवार को, आपके माता पिता भाई बहनों को, सभी को, हर प्रकार की समस्या से आपको परमेश्वर बचा करके रखेगा यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर आमीन।